बहुत समय पहले एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 3 पुत्रों के साथ रेगिस्तान में रहता था। उसके पास 17 ऊंट थे और वे उसकी आय का मुख्य स्रोत था। एक दिन उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने 3 बेटों के लिए अपनी संपत्ति छोड़कर एक वसीयत छोड़ी थी। अंतिम संस्कार और अन्य दायित्व समाप्त होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी। जबकि उनके पिता ने अपनी सारी संपत्ति को 3 भागों में विभाजित कर दिया था, उन्होंने 17 ऊँटों को अलग तरीके से विभाजित किया था। उन्हें तीनों के बीच समान रूप से साझा नहीं किया गया था, क्योंकि 17 एक विषम संख्या है और एक अभाज्य संख्या है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। बूढ़े आदमी ने कहा था कि सबसे बड़ा बेटा 17 ऊँटों में से आधे का मालिक होगा, बीच वाले को 17 ऊँटों में से एक तिहाई मिलेगा और सबसे छोटे को अपने हिस्से के ऊँट 1/9 के रूप में मिलेंगे। वे सभी वसीयत पढ़कर दंग रह गए और एक दूसरे से सवाल किया कि वसीयत में बताए गए 17 ऊँटों को कैसा बांटा जाए। 17 ऊँटों को बांटना और 17 ऊँटों में से आधा सबसे बड़े को देना संभव नहीं है। अन्य 2 पुत्रों के लिए भी ऊँटों को बांटना असंभव है। उन्होंने वसीयत में वर्णित ऊँटों को विभाजित करने के तरीकों के बारे में सोचते हुए कई दिन बिताए, लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं मिला। इस मुद्दे को अपने गाँव के बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने समस्या सुनी और तुरंत समाधान ढूंढ लिया। उसने उनसे सभी 17 ऊँटों को अपने पास लाने को कहा। पुत्र ऊँटों को ज्ञानी के यहाँ ले आए। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने एक ऊँट को जोड़ा और ऊँटों की कुल संख्या 18 बना दी। अब उसने पहले बेटे को वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को आधे ऊँट मिले, जिनकी गिनती अब 18/2 यानी कि 9 ऊँट हो गए। सबसे बड़े को उसके हिस्से के रूप में 9 ऊँट मिले, शेष ऊँट 9 थे। बुद्धिमान व्यक्ति ने दूसरे पुत्र से वसीयत पढ़ने को कहा। उसे कुल ऊँटों का 1/3 भाग सौंपा गया था, यहाँ 18/3 यानी कि 6 ऊँट आया। दूसरे बेटे को उसके हिस्से के रूप में 6 ऊँट मिले। बड़े बेटों द्वारा साझा किए गए ऊँटों की कुल संख्या 9+6 यानी कि 15 ऊँट हो गए। तीसरे बेटे ने ऊँटों के अपने हिस्से को पढ़ा। ऊँटों की कुल संख्या का 1/9 यानी कि 18/9 यानी कि 2 ऊँट आए। सबसे छोटे को उसके हिस्से के रूप में 2 ऊँट मिले। कुल मिलाकर अब 9+6+2 ऊँट थे, जिन्हें भाइयों ने बांट दिया था, जिनकी गिनती 17 ऊँट हुई। अब बुद्धिमान द्वारा जोड़ा गया एक ऊँट वापस ले लिया गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से इस समस्या को चतुराई से हल किया। इसलिए बुद्धिमत्ता और कुछ नहीं बल्कि किसी मुद्दे को हल करने के लिए एक सामान्य आधार खोजना है। संक्षेप में, हर समस्या का समाधान होता है।